Hi guys, this is Sajid Khan back again with another new video. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको मैं नहीं इसके बारे में रजत बताएगा. होटल ईडन का ट्यूलिप रेस्टोरेंट हम आज रिव्यू करने वाले हैं. यस, थैंक यू रजत फॉर हेल्पिंग मी. सो गाइज, आज मैं पूरी तरह से आपको ये दिखाना चाहूँगा. सो गाइज, अभी हमारे पास मेनू आ चुका है, तो अभी हम लोग देखेंगे मेनू क्या लेना है क्या नहीं. वैसे मैं एक बार रजत से पूछना चाहूँगा, तो रजत आप क्या लेना चाहेंगे? मेरा तो चिकन विंग्स खाने का मन कर रहा है. चिकन विंग्स? या अच्छा ठीक है, और देखेंगे सिर्फ चिकन विंग्स बस? देखते हैं, बहुत मेन्यू में बहुत सारा लिखा हुआ है यार. अच्छा ठीक है, बढ़ता है. ठीक है ठीक है. सो गाइस, पहले सबसे पहले हम लोग डिशेस ऑर्डर करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा. फाइनली हमने इन डिशेस फाइनलाइज किया है अभी यहाँ पे. और जैसे कि चिकन दम बिरयानी और रजत चिकन विंग्स. यस नेक्स्ट कॉर्न पिटर. यस नेक्स्ट लेमन हनी बेसिल चिकन. यस नेक्स्ट और आपकी फेवरेट डिश एग्जैक्टली. सो गाइज, फाइनली हमारे डिशेस आ चुके हैं यहाँ पे, अभी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा. सो गाइज, ये है चिकन विंग्स, ये है कॉर्नफिटर, ये है लेमन हनी बेसिल चिकन और ये है साजिद भाई का फेवरेट पहाड़ी मुर्ग टिक्का. यस तो गाइज, हम लोगों ने दो मॉकटेल भी ऑर्डर किए थे. तो रजत, कौन कौन सा किया था हमने? एक चेरी क्रैनबेरी स्पाइसर. यस. और एक ब्लू फिश. ओके, तो वो भी अभी आ चुके हैं यहाँ पे, मैं अभी आपको एक बार दिखाना चाहूँगा. अभी हमारे डिशेस आ चुके हैं, सिर्फ बिरयानी आना बाकी है. अभी वो आने के बाद में हम लोग आपको टेस्ट बताएंगे. हमने चिकन बिरयानी भी ऑर्डर किया था, तो अभी वो आ चुका है, तो अभी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा. तो गाइस, अभी सबसे पहले हम चिकन विंग्स फ्राई करना चाहेंगे और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब कुछ टेस्ट करेंगे और उसके बाद में हम आपको बताएंगे. सब कुछ खाने के बाद में हम लोग एक पॉजिटिव रिव्यू आपको देंगे. सो गाइस, चिकन विंग्स तो बहुत ही क्रिस्पी और एकदम टेस्टी है गाइस. इट्स वेरी 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 टेस्टी. अगर आप यहाँ पे आते हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए, इसी गारंटी मैं लेता हूँ गाइस. आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, बहुत ही टेस्टी है. अच्छा, तो फिर हम बढ़ते हैं अगली डिश की तरफ. तो मिस्टर रजत, तो हम कौन सी डिश? कॉर्नफिटर. ओके ठीक है, अभी हम ये वाली डिश ट्राई करेंगे एक बार और आपको पॉजिटिव रिव्यू देंगे. सो रजत, इस डिश के बारे में क्या बताना चाहोगे? काफ़ी बढ़िया डिश थी और काफ़ी अमेजिंग डिश भी थी. और कॉर्न फिटर एक्चुअली एक डिश ऐसी है जिसमें कॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपको इजीली पता चलता है इसका नाम कॉर्न फिटर क्यों है. यस, इट वाज वेरी 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 टेस्टी गाइस. और बहुत क्रिस्पी भी था, बहुत ही टेस्टी था, बट थोड़ा स्वीट था, मीडियम था. सो मिस्टर रजत, अभी हम कौन सी डिश ट्राई करना चाहेंगे? लेमन हनी बेसिल चिकन. अच्छा तो फिर ठीक है, तो अभी हम ये वाली डिश ट्राई करेंगे और आपको पॉजिटिव रिव्यू देंगे इसके बारे में. तो रजत, आप ये डिश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लेमन हनी बेसिल चिकन. yes. जैसा नाम वैसा टेस्ट है इसका. यस yes. काफ़ी स्पाइसी है. yes. मुझे स्पाइसी लगा क्योंकि मैं आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स ट्राई कर रहा हूँ इतना स्पाइसी डिश. मुझे तो उतना स्पाइसी नहीं लगा. अभी आप तो रेगुलर थे स्पाइसी डिश के लिए. yeah. तो वो आपको ठीक ठाक लगा? यस yes, yes, बहुत अच्छी डिश है गाइस. अगर आप स्पाइसी में कुछ ट्राई करना चाहते हो तो आप ये वाली डिश ट्राई कर सकते हो. बहुत यूनिक डिश भी है. या तो अभी हम लोग हमारे अगली डिश की तरफ बढ़ते हैं जो कि साजिद भाई की फेवरेट होने वाली है. यस, जिसका नाम है पहाड़ी मुर्ग टिक्का. yes. तो अभी हम लोग अगली डिश की तरफ बढ़ते हैं. yes. तब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए. और वैसे भी इस डिश के बारे में फिर से कुछ कहना चाहूँगा मैं. ये वाली डिश मैंने आज तक तो किसी होटल में नहीं खाई थी, बट ये वाली डिश बहुत अच्छी है गाइस. थोड़ी स्पाइसी है लेकिन बहुत अच्छी है. अगर आप यहाँ पे आते तो ज़रूर ट्राई कीजिए. सो रजत, मेरी फेवरेट वाली डिश आपको कैसी लगी? पहाड़ी मुर्ग टिक्का. yeah, आपकी फेवरेट डिश. या जैसा नाम वैसा ही टेस्ट था. पहाड़ी स्टाइल वाली ही डिश थी. यस, काफ़ी यूनिक डिश थी. नॉर्थ इंडियन डिश है शायद ये. हाँ शायद. काफ़ी अच्छा लगी मुझे डिश, टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया था. इफ़ यू वांट टू ट्राई नॉर्थ इंडियन यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर डिश. यस एक्जेक्टली. इट वॉज नॉट मच स्पाइसी, लिटिल बिट स्पाइसी. या द प्रीवियस वन वॉज
लिटिल बिट नॉट लिटिल बिट 80% या 80% इट वाज स्पाइसी तो ये बड़ी शायद 30% स्पाइसी होगी बट इट वाज गुड वेरी गुड अगर आप यहाँ पे कुछ स्पाइसी में ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये वाली डिश भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे सो गाइज नाउ वी विल बी हैविंग फाइनल डिश चिकन दम बिरयानी सो रजत कुछ कहना चाहेंगे चिकन बिरयानी के बारे में देख के मुँह में पानी आ रहा है क्या करते हैं हम लोग फटाफट से ख़त्म करते हैं ठीक है फिर बाद में इनसे मिलते हैं ठीक है कोई बात नहीं सो गाइज तब तक के लिए अपना टाइम लाइफ एंजॉय कीजिए आप हम यहाँ पे हमारा डिश एंजॉय करते हैं सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रही है हमारी चिकन बिरयानी मैं अभी जो कि दो पीस बचा के रखे थे हमारे चिकन विंग्स और अच्छा रजत अच्छा वो कौन से वाले डिश है लेमन ग्रेवी बेसन चिकन यस और जैसे एक बार प्रोनाउंस करो रहने दो कोई बात नहीं देखिए यहाँ पर लेमन हनी बेसन चिकन यस बिरयानी के पूरी तरह से मजे लेते हुए यहाँ पे और हमने सब कुछ खाली कर दिया ये देखिए मिस्टर रजत ने किस तरह से खाया है चिकन विंग्स और या और ये देखिए मैंने किस तरह से खाया था नो वेस्टेज एग्जैक्टली तो गाइस फाइनली हमारा खाना खा के हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए गाइस रजत ने कुछ भी नहीं खाया है सो गाइज इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अनदर अपडेट